दवाई डालते हो खेतों में? दवाई डालते हैं। दवाई नहीं डालते हो? कौन नहीं बोल रहा है? डालते हैं। कपास में कितने स्प्रे करते हैं? लगभग एक फसल में 5 स्प्रे होते हैं। एक कोठी का घोल कितने रुपए का बनता है? हाँ, 100 रुपये से 250। याने कोलाच 10,000 होते, कोलाच 200 होते, कोलाच 10 होते, कोलाच 800 होते, अंदाजच नाही। फक्त चांगलं झालं पाहिजे, कशाने। एक टंकी मतलब आप बोल रहे हो 15 लीटर वाली ना? 15 लीटर वाली टंकी, अब गुणित 12 टंकी का घोल जो बनता है, 200 लीटर का बैरल, ये बनता है लगभग आपका 250 रुपये तक का, है ना? 250 रुपये तक का। तो 12 गुणित 250 करोगे तो कितना आएगा? 3,000 रुपये की कोठी आपकी बन रही है, जो शुरुआत में एक कोठी आपको 4-5 एकड़ में पूरेगी, फिर 3 एकड़ में पूरेगी, कपास बढ़ गया, फिर 2 एकड़ में, फिर जब फुल कपास होगा तो 1 एकड़ में एक कोठी। हेलो, बनाओ बनाओ बनाओ, आ जाओ। पाठशाला लेने आया है और वो भी वीडियो बना रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, चलो बनाओ अभी, आप शर्मा जाएगा वो। एक कोठी हमारा स्प्रे का जो 200 लीटर का है, 3,000 रुपये में बन रहा है। अभी वही स्प्रे हमारा 200 रुपये में बनेगा मात्र, और ये जो एक कोठी हमारा 3,000 का बन रहा है, इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा काम करता है। इसको हम बोलते हैं VM स्प्रे। क्या बोलते हैं? VM स्प्रे। V मतलब वाइसेनोमेटा, M मतलब मिट्टी। वाइसेनोमेटा और मिट्टी का मिश्रण बना करके एक घोल बनता है मिट्टी का स्प्रे, जो हम किसी भी फसल पे कर सकते हैं। जो काम क्या करेगा, हम फसल पर स्प्रे क्यों करते हैं? एक तो रस चूसक कीट आते हैं उनको भगाने के लिए, दूसरा सुंडी आती है, इल्ली आती है जो पत्ते खाती है, डेंडू में होल करती है, कपास को खराब करती है, गठीला कर देती है कपास के बोल को। केले में क्यों स्प्रे करते हैं? उसके सेंटर पोंगे में इल्ली घुस जाती है, केले को खराब करती है, केले का फल जो आता है उसमें थ्रिप्स लग जाती है, उसमें स्क्रेचेस आते हैं, उसको खराब करती है। मिर्च, टमाटर, बैंगन, सभी में हम स्प्रे क्यों करते हैं? व्हाइट फ्लाई, हरा मच्छर, थ्रिप्स। अनार में करते हैं तेलिया, ये कारण है ना स्प्रे करने के। एक प्रश्न है मेरा आपसे, आप कपास ज़्यादा लगा रहे हो इसलिए आपने हरे मच्छर का स्प्रे किया, आज 4 दिन बाद क्या दिखता है? व्हाइट फ्लाई का स्प्रे किया, कुछ लोग तो वो कोठी के ड्रम में व्हाइट फ्लाई से टेस्ट करते हैं, डुबा कर निकालते रख देते, उड़ रहा है यार फिर भी। ऐसा होता है ना। अभी तो ये BG1 BG2 आ गया है, अभी आपके यहाँ क्या चल रहा है? BG2। तो इल्ली रेजिस्टेंट कपास हम लगा रहे हैं, फिर भी उसमें पिंक बॉलवर्म आ रहा है जो इल्ली का महाबाप है, वो फिर भी सुंडी घुस जाती है उसके अंदर, बोल के अंदर, बोल पूरा पैक है उसके अंदर, तोड़ने पर हमें सुंडी मिलती है, बोंडड़ी। तो हम दवाई में ही इल्ली को डुबा कर टेस्ट करते हैं। कई सारे किसान मुझे वीडियो भेजते हैं, भैया ये दवाई मैंने डाली, 2,000 रुपये की कोटी का घोल है, ये इल्ली को डुबा दिया, फिर बाहर निकाल के रखा, चल रही है, ये जिंदी है, मरती नहीं। जो दवाई आप लाते हो ना, उसके पीछे लिखा हुआ रहता है कितने परसेंट मारेगी। हमें जो अच्छे वाला चश्मा पहनाया गया है ना, मैं भी अच्छे वाला चश्मा पहनता हूँ, देखो काले कलर का, जो खाना परोसने आते हैं हमारे खेतों में, जो हम खाना डालते हैं, खाद और दवाई, ये खेतों का खाना है हमारे हिसाब से, वो एक अच्छा सुंदर सा चश्मा लाते हैं, आपके लिए मीटिंग्स लगाते हैं, दाल बाटी की पार्टी करते हैं, और एक केमिकल डब्बी रिलीज़ करते हैं, और 4 लाइनों में उदाहरण देकर जाते हैं, और उसका 3,500 रुपये का कोठी होता है, और हम जब वाकई में उस दवाई को लाकर डालते हैं तो इल्ली मरती नहीं, वो चलती है। तो ये चश्मे निकाल करके आज हमें देखना है। हाँ,
समझ पा रहे हो मैं क्या चीज बता रहा हूँ, कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ। मिट्टी का स्प्रे आप लोगों के सामने आश्चर्यजनक बात होगी, नई बात होगी, कपास में, केले में, मिर्च में हम केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं। मिट्टी के स्प्रे का इजाद किया है, आप अगर गूगल पे डालोगे या समझना चाहोगे तो हैदराबाद के एक व्यक्ति हैं चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, मेरे कई सारे वीडियोस में उनका नाम है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री का पुरस्कार दिया है कि इस व्यक्ति ने मिट्टी के स्प्रे की इजाद करी, खोज करी। अमेरिका के राष्ट्रपति जब जॉर्ज बुश थे, जब इन्होंने मिट्टी के स्प्रे की इजाद करी तो वो इनके घर आकर के इनसे मिलके गए और इनको बोला कि ये टेक्नोलॉजी हमें दे, हम अमेरिका में इसको यूज़ करेंगे। कई सारे लेख हैं, कई सारे विस्तृत जानकारियां हैं और कई सारे उनके बारे में रिसर्च पेपर है, और मिट्टी के स्प्रे पर उन्होंने पेटेंसी ले रखी है। पेटेंसी का मतलब समझते हैं कि मैंने खोज कर ली, अब कोई करेगा तो मुझे पैसे देगा, वरना वो डाल नहीं सकता। तो हिंदुस्तान में फ्री है, हिंदुस्तान के बाहर कोई मिट्टी का स्प्रे करता है तो उनको रॉयल्टी जाती है, अगर उनको पता चला उनकी बिना आज्ञा से किसी ने मिट्टी का स्प्रे फसल पे तुअर पे किया। ये रियलिटी है आज के जमाने की। बट हम किसानों तक ये जानकारी क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमें उस मिट्टी के स्प्रे से किसी के पास पैसे जाते नहीं, हमारे जेब से पैसे निकलते नहीं और कोई उसका प्रचार करता नहीं। हमारे पास प्रचार किसका आता है? ए बी सी दवाई डालो, जेड एक्स वाई केमिकल डालो, फलाना ढिमका स्प्रे करो, जिसका पैसा हमारे जेब से निकल के दुकानदार के पास जाए, दुकानदार से मल्टीनेशनल के पास जाए और वो पैसा घूमे। किसान के पास दिवाली पर पैसा रहना नहीं चाहिए। फटाके उनके बच्चे कैसे फोड़े इसकी ज़रूरत नहीं है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में एक ही कमाऊ पुत्र है किसान। किसान की फसल खराब, मार्केट में सन्नाटा। किसान की फसल अच्छी, मार्केट हरा भरा, सब के गाल खिले हुए मिलेंगे। तो मिट्टी का स्प्रे काम क्या करता है और कैसे हम उसका उपयोग करें? केले की फसल में भी आपको मिट्टी के स्प्रे का उपयोग करना है। 200 लीटर पानी आप जो लिखना चाहो लिख लीजिए। मिट्टी का स्प्रे बनाएंगे कैसे और काम कैसे करेगा वो पूरा मैं बतलाता हूँ। और 200 रुपये में कैसे बनेगा? 200 लीटर पानी, ये जो 200 लीटर का ड्रम है इसमें 10% मिट्टी, मतलब 20 केजी माटी और 200 ग्राम वाइसिनोमेटा। मिट्टी कहाँ की लेनी है और वाइसिनोमेटा में क्या है पूरी जानकारी देता हूँ। मिट्टी लेनी है, 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। ये दिख रहा है आप लोगों को? ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है, कम से कम 5 फीट गहरा गड्ढा अति आवश्यक है। ऊपर की मिट्टी ये कल्टीवेटर करी हुई नहीं लेना है, 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, नीचे से ऊपर तक की मिट्टी लेना है, वो 200 लीटर पानी में डालना है। इसका फायदा क्या है पता है? ये जो मिट्टी की लेयर है, धरती की लेयर है, धरती माँ की, इसके 1.5 फीट नीचे और 1.5 फीट ऊपर एक इकोसिस्टम है बैक्टीरियल कॉलोनी का, महासागर है बैक्टीरिया का। थोड़ा विस्तृत में बात करूं या फटाफट लूं? विस्तृत में बताऊं? समय लगेगा ज्यादा, घर बोल के आया ना, आराम से आऊंगा। एक्चुअली मैं आज विस्तृत में बताऊंगा तो आपके पूरे अंदर तक दिमाग में जाएगा कि ये चीज क्यों है। अभी जो पृथ्वी की लेयर है 1.5 फीट नीचे 1.5 फीट ऊपर, उसमें बैक्टीरिया का महासागर है। इसीलिए हम खटिया पर सोते हैं, इसका एक साइंस है। इसीलिए पुराने जमाने में, अभी तो हमारे घरों में फ्रिज आ गया है ना, रेफ्रिजरेटर, कितने घरों में? लगभग सभी के घर फ्रिज है। उसमें हम दाल रख देते हैं, सब्जी रख देते हैं, ख़राब नहीं होती है ऐसा लगता है, बट वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। ठंडी रख देते हैं, शाम को गर्म करके फिर खा लो। एक्चुअल में पुराने ज़माने में जो दाल बचती थी उसको चूल्हे चौके में ऊपर एक धागा टांग कर, एक छीका होता था, उसमें रखते थे, नीचे नहीं रखते। अभी आप मटन मार्केट में जाओगे तो जो भी मटन कटा हुआ है उसको ऊपर टांगते हैं, नीचे नहीं रखते हैं। मटन को नीचे रखोगे मिट्टी के पास
तो वो सड़ने लगता है, और जैसे ऊपर टांग दिया तो ज्यादा दिन तक सड़ता नहीं, सूखता है, सड़ता नहीं। जैसे दाल ऊपर रख दी तो वो खराब नहीं होती, नीचे अगर मिट्टी के पास, मिट्टी से 1.5 फीट के दायरे में है और दाल रखी हुई है तो वो दोपहर तक खराब हो जाएगी, और धूप अगर ज्यादा तेज है तो जल्दी खराब हो जाएगी, शाम को खाने लायक नहीं बचेगी। तो ये जो धरती से ऊपर 1.5 फीट की लहर है, ये बैक्टीरिया का महासागर है, और यही मिट्टी के नीचे 1.5 फीट की लहर है, ये बैक्टीरिया का महासागर है। अनंत अनंत बैक्टीरिया है। अभी हम जो खटिया पे सोते हैं ना, 1.5 फीट की हाइट की खटिया, वो इसलिए सोते हैं कि रात को 3 बजे से सुबह के पहर में सभी इंसान मुंह से सांस लेना चालू करते हैं, नाक से सांस कम पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो हवामान में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है रात में, तो हम क्या करते हैं, हवा ज्यादा लेते हैं। तो जब अगर हम 1.5 फीट की खटिया पे नहीं सोएंगे और नीचे सोएंगे मिट्टी के संपर्क में, तो हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारे मुंह में ज्यादा जाएंगे। इसलिए साइंस मना कि 1.5 फीट की खटिया और उसके ऊपर सो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये जो मिट्टी की लेयर है, इसके 1.5 फीट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं हमारे खेती में। तो जब ये ऊपर की 1.5 फीट की मिट्टी की लेयर लेकर हम पानी में डालते हैं और उसमें वाइसेनोमेटा डालते हैं, तो वाइसेनोमेटा के अंदर 2 चीज है, सुक्रोज और गो अर्क। गो अर्क का बहुत ही महत्व है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पता नहीं, शायद मेरे यहां पर ऐसा होता है कि हम जब किसी को घाट पे छोड़ के आते हैं, शमशान में जाके आते हैं और घर आते हैं, तो माई हमें गौमूत्र की 2 बूंदें डालती है घर के अंदर प्रवेश करने से पहले, और वो कपड़े बाहर ही निकालते हैं, उनको धोते हैं, हम भी स्नान करते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी घर में ना जाए, वो बाहर ही रहे। ये साइंटिफिक प्रूवन है। शायद आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा ना, गौमूत्र नेगेटिव चीज को भगाने के लिए, तो ये रिसर्च पेपर में भी है कि नेगेटिव चीज को गौमूत्र भगा देता है। तो सुक्रोज और गोमूत्र वाइसेनोमेटा के अंदर है। सुक्रोज क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया का भोजन है। सुक्रोज आपको मिलेगा केले में, आपको मिलेगा गन्ने में, आपको मिलेगा शक्कर में, आपको मिलेगा गुड़ में, हर मीठी चीज में आपको सुक्रोज मिलेगा। शक्कर के कई सारे प्रकार है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। तो जो हमारी भी एकदम क्विक एनर्जी हमको चाहिए, कभी हम दिन भर काम करके थक गए, अगर आपने शक्कर की फक्की लगा ली तो तत्काल एनर्जी आ जाएगी, गन्ने का जूस पी लिया तत्काल एनर्जी आ जाएगी, ऐसे सुक्रोज हमारी बॉडी में जाएगा तो तत्काल एनर्जी आएगी। तो बैक्टीरिया के पास अगर सुक्रोज गया तो वो उसका भोजन है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। तो 200 लीटर पानी में 200 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम वाइसेनोमेटा, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम वाइसेनोमेटा डाला तो उसके अंदर सुक्रोज और गो अर्क है। अब जो आपने मिट्टी से बैक्टीरिया डाले हैं उसमें नेगेटिव बैक्टीरिया वहीं रहेंगे, पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। तो धरती की ऊपर की 1.5 फीट की लेयर बैक्टीरिया का महासागर है, जो आपके पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है, मार्केट से बैक्टीरिया खरीदने की जरूरत नहीं। पहला, 1.5 फीट के नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे न्यूट्रिशन का महासागर है, जो हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं ना, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये ऑलरेडी मिट्टी में है। कैसे है वो समझाता हूं। अभी मिट्टी लेना कहाँ का है, ये महत्वपूर्ण बात है। जहां हमने कभी कल्टीवेटर नहीं चलाया, नागरटी नहीं करी, जहां कभी हमने DAP, यूरिया, पोटास नहीं डाला, जहां कभी हमने चारामार दवाई नहीं डाली, उस जगह 5 फीट गहरा गड्ढा करना है। आपकी मेड़ पे कर सकते हो, किसी पेड़ के नीचे कर सकते हो, कोई ऐसी खाली जगह, ये जो नीम का पेड़ है इसके आसपास बहुत सारी खाली जगह है ना, वहाँ आपकी फसल नहीं आ रही है, ऐसे खेत में जो जगह हो जहाँ आपने कभी उसको छेड़ा नहीं, उस जगह को वहाँ आप 5 फीट गहरा गड्ढा करके ऊपर से नीचे की मिट्टी निकालना है। तो ऐसी जगह पर क्या मिलेगा आपको, जिस जमीन को कभी टच नहीं किया वहाँ हर साल बारिश में खरपतवार उगता है, अपने आप सूखता है, वापस वो सूखा कचरा दिखता है, गर्मी में खाली हो जाता है, वापस बारिश आती है, वहाँ कचरा उगता है, सूखता है, डल होता है, ऐसा ही होता है जहाँ कभी टच नहीं किया हमने।
खाली जमीन जो पड़ी है, ये क्या होता है, ये प्रक्रिया से नीचे न्यूट्रिशन कैसे बढ़ता है? जैसे ही खरपतवार उगता है, अभी ये मिट्टी की परत है और यहाँ पर कोई भी पेड़ खड़ा हुआ, पौधा खड़ा हुआ, ये जितना ऊपर जाएगा उतना इसकी जड़ें नीचे आएगी, पता है ना? गाजर घास, चिनाड़ी, जो भी खरपतवार है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी रहेगा। अभी इसको हमने कुछ नहीं किया, पानी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ये उगा, बड़ा हुआ, बारिश खत्म हो गई, ये सूख गया, डल हो गया, तो ये कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा ना, ये कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। अभी ये ऊपर से डल हो गया तो इसका क्या हुआ, ऐसे करके कचरा गिर गया, ऊपर का कचरा तो यहाँ गिर गया मिट्टी में, अब नीचे की जो जड़ थी इसका क्या हुआ, ये सूख कर सिकुड़ कर हड्डी बन के वहां रह गया, है ना? हड्डी बन के जब रहा तो इसको खाने के लिए आएगी दीमक, केचुआ, फंगस और ऐसे कई सारे जीव जिनके नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन जिनको ये हड्डी खाना है। जमीन के नीचे कई सारे अनंत बैक्टीरियल प्राणी हैं, जीवंत प्राणी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, वो इस हड्डी को खा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति कुछ खाएगा तो कुछ निकालेगा, फिक्स नियम है, इन हुआ तो आउट होगा ही, इन होगा तो आउट होगा, जिसका इन नहीं हो रहा उसका कोई आउट नहीं होगा। जब ये कचरा यहाँ ऊपर है और इस पे पानी की बूंदे आई, बारिश की बूंदे, तो जो भी बायोमास बॉडी है उसके ऊपर पानी की बूंदे आती है तो एक लाल पानी निकलता है। मिट्टी का स्प्रे काम कैसे करता है पूरा साइंस है इसका, समझ गए तो कल से दवाई दुकान पे जाना बंद हो जाओगे, ध्यान से समझना है। अभी आपके यहाँ गोबर की ढेर या कचरा कोई पड़ा होगा और बारिश होती है तो उसके पास से लाल पानी निकलता है ना, बारिश में वो जो लाल पानी है उसको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ये ह्यूमस किसी फैक्ट्री में बनता नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अभी ये जो कचरा गिर गया इसके ऊपर जब बारिश आई तो ये लाल पानी इसी मिट्टी में गया, और लाल पानी जिस मिट्टी में जाता है, ह्यूमस जिस मिट्टी में जाता है, उसे देसी केचवा उस मिट्टी को खाता है। केचवा पता है? गांडुली है ना, कुछ कुछ मराठी शब्द पता है मेरे को गांडुली। तो दो तरह के केचवे हैं, एक केचवा कचरा खाता है, खाद निकालता है, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, पता है ना? वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा खाद पेड़ पौधों के लिए। दूसरा एक केचवा ऐसा है जो देसी केचवा है, जो मिट्टी खाता है और खाद निकालता है, जो खेत के अंदर ही रहता है, जो ऊपर की लेयर से 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट 5 फीट नीचे तक रहता है। बारिश आती है तो ऊपर आपको घूमता दिखेगा, ऊपर उसकी कुछ कुछ छोटी छोटी सी विष्ठा दिखेगी दानेदार, क्योंकि बारिश में बादल रहते हैं और पानी ऊपर रहता है तो ऊपर आ जाता है। जैसे बारिश गई, जितना जितना पानी नीचे जाता जाएगा, वो देशी केचवा नीचे जाता जाएगा, उसको ठंडक पसंद है। तो ये जो 1.5 फीट की, मैं 5 फीट गहरा गड्ढा करने का जो बोल रहा हूँ, ये मिट्टी की सतह से 5 फीट गहरा गड्ढा करना है। 1.5 फीट तो ये बैक्टीरिया का महासागर है, लेकिन यहाँ देसी केचवा घूमता फिरता रहता है, यहीं रहता है। बारिश आती है, आप केचवा छोड़ने नहीं जाते हो, नीचे का केचवा ऊपर आता है, आपके खेतों में दिखता है ना। हम बोलते हैं गोबर खाद जहाँ डाला होगा वो 6 महीने बाद, साल भर बाद असर दिखाएगी। आज गोबर खाद डाला, कल असर दिखता है? बाद में दिखता है। क्यों? जहाँ गोबर खाद डाला, गोबर केचवे को बहुत पसंद है, वो गोबर को खाएगा, विष्ठा निकालेगा, वो पौधे का भोजन है, तो वहाँ फसल असर दिखाएगी थोड़े समय के बाद। तो ये जो देसी केचवा है इन जड़ को भी खाता है, जो भी चीज कुछ खाती है कुछ निकालती है, और जो कुछ निकलता है वो हमारे पौधे का भोजन है। तो ये जो नीचे की मिट्टी आई ऊपर से नीचे तक, ये पूरा न्यूट्रिशन है, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान सब है यहाँ पे, जो आपके खेत में है, जो इस नीम के पेड़ के नीचे है। बस उसको निकालना है, 200 लीटर पानी में 2 से 3 दिन घोलना है, उसको एक दो बार हिलाना है और पौधों पर स्प्रे करना है।
अलग से दवाई डालने की जरूरत नहीं रहेगी, खाद डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हम प्रैक्टिकल कई सालों से कर रहे हैं और यह मिट्टी के स्प्रे का पेटेंसी चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी ने ले रखा है, अपने देश के ही वो आज जीवंत है। मैं कई बार मिल चुका हूँ उनसे, मेरे किसान पाठशाला की वीडियोस में आप उनको देख भी सकते हो। यह प्रैक्टिकल आप इस तुअर पे कर सकते हो जो पीछे तुअर है, सोयाबीन, चना, मिर्च, 100%। अभी ये काम कैसे करता है वो एक विषय है, उस पर मैं लेक्चर दूंगा। अभी काम क्या करता है और क्यों करता है ये अभी मैं बता रहा हूं। पूरे सृष्टि में दो तरह के प्राणी हैं, अगर आप समझ पाए ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये 5 फीट में है क्या, ये समझ गए तो मुझे दोबारा यहां लेक्चर देने के लिए नहीं आना है, आप मिट्टी का स्प्रे करते रहोगे। पूरी सृष्टि में दो तरह के प्राणी हैं। हेलो, खाते खाते कान मेरे पास रखना है, मेरा नाश्ता यही है कि आप मुझे सुन लो ध्यान से। हाँ, अभी आपकी चम्मच, आपके होठ, आपकी जबान जो खाने का टेस्ट ले रही है, लेकिन कान मेरे पास रखो तो कम समय में हम लंबी दूर पहुंचेंगे। पूरी पृथ्वी पर दो तरह के प्राणी हैं, एक है चल, एक है अचल। अचल में आते हैं पेड़ पौधे जो स्थिर रहते हैं, चल में आते हैं हम आप। हाँ, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। सृष्टि को ढंग से देखा तो आज के बाद खेती करने के तरीके आप लोगों के निश्चित रूप से बदल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए पूरे नाक, कान, मुंह, गला स्थिर होकर के मेरे साथ में समय बिताओ। पूरी पृथ्वी में दो ही प्राणी हैं, हम बोलते हैं नर मादा, कुत्ता बिल्ली, केचुआ भैंस बकरी, ऐसे अनेक हैं, नहीं, एक्चुअल में दो प्राणी हैं। पेड़ पौधे जो स्थिर हैं, और चलने फिरने वाले आप में कुत्ता बिल्ली, नेवला, केचवा, फंगस, इल्ली, दीमक, सुंडी, सब जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, बैक्टीरिया जो हमें दिखते नहीं आंखों से। अभी ये जो पोहा खा रहे हो इसमें कुछ बैक्टीरिया है, लेकिन वो हमारे अंदर गया, वो चल फिर करता है, वो भी कुछ खाता है, हम भी उसको खा रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझना। ये पौधा, आम का पेड़, उदाहरण में बता रहा हूं, आम का पेड़, इसने साल भर तक कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। कोविड के बाद सबको पता चल गया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है अभी क्या लेते हैं। कोरोना काल में सबने देखा कि ये पेड़ों की पत्तियों पे हमारे फेफड़े लटक रहे हैं, वो ऑक्सीजन देंगे तो हम जिंदा रहेंगे। कई सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो दिल्ली में, मुंबई में रहते थे, जो हमारे पास गाँव में आकर के खेतों में रहे। मेरे पास बांबू के पेड़ बहुत सारे लगे तो वहाँ खटिया बिछा कर रहे, बांस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है 35% ज़्यादा। तो कोरोना काल में ऐसे व्यक्ति जो सीमेंट के जंगलों में रहते थे, वो एक्चुअल में पेड़ पौधों के पास आकर रहने, डर बड़ी चीज़ है। वो हकीकत भी है। एक्चुअल में क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक दूसरे के पूरक है ना। हम भी पानी पीते हैं, वो भी पानी पीते हैं, हम भी श्वास लेते हैं, वो भी श्वास लेते हैं, हम भी बात करते हैं, वो भी बात करते हैं। आपने सुना है पेड़ पौधों की बातें क्या? नहीं। इसका एक सूत्र बतलाता हूँ, पेड़ पौधों की बातें सुनना, जो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं सुनता हूँ, जो मैं उनको समझता हूँ, आप भी सुन सकते हो। संध्या काल जब सूर्य अस्त हो गया है, उजाला बाकी है, अंधेरा हुआ नहीं, सूर्य देवता चले गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, इसको कहते हैं संध्या काल। इस समय फोन को घर पे रख के आना, खेत में आना है, खुद के खेत पे जो भी फसल लगी है, जैसे ये केली है ना, अभी मेरे प्रवचन ये केली भी सुन रही है, आप जब फील करोगे, एक 7 दिन का प्रयोग करो, मैं जो बता रहा हूँ, अपने खुद के खेत पे संध्या काल के समय मोबाइल घर रख के आना है, वो टिंटू पीपी बजेगा, वो समझ में आएगा नहीं, वो डिस्टर्बेंस होगा। खेत में जाओ, अंदर सेंटर में जाकर बैठो, चुप, शांत, बिना बातचीत किए, अकेले, एक दोस्त को लेके जाओ, ऐसा मत करना। जब हम संध्या काल में
पेड़ पौधों के साथ बैठते हैं तो वो समय ऐसा होता है कि प्रकृति अपनी पूरी एनर्जी पर रहती है, फुल वेग में रहती है संध्या काल में। और चुप और मौन बैठोगे आप पौधे के पास, केले के पास, तुअर के पास, कपास के पास, और अंदर से भावना लाओगे कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या आप मुझे समझ सकते हो, क्या आप मुझे सुन रहे हो। ये जो बिना बोले अंदर भावना चलती है, ये सबसे ज्यादा बोलना है। बुद्ध, कृष्ण, रामकृष्ण, परमहंस, इन सब ने जो जाना है ना, ये बोलकर नहीं बता पाए हैं। जो इन्होंने चुप रह करके बताया है वो सबसे बड़ी बात है। मैंने अभी किन्हीं के यहाँ वो फोटो भी देखे थे, कौन से संत थे? रामदास स्वामी। ऐसे कई सारे संत हैं जिन्होंने जान लिया है, वो बोल करके बता नहीं पाए कि क्या जाना है। उनको बोलने में, शब्दावली में शब्द है नहीं, लेकिन चुप और मौन रह करके केवल मनस्थिति से समझोगे, उस पौधे को छू करके शांत चित्त से बैठ करके जब अंदर ही पूछोगे क्या मुझे सुन पा रहा है। ये प्रक्रिया आप 7 दिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस पौधे के पास आप बैठे हो वो आपसे बातचीत करना चालू करेगा, आपको वो सिग्नल देगा कि आपको सुन रहा है। आप जब उससे पूछोगे 5वें 6वें दिन 7वें दिन, आपकी मनस्थिति तीव्र रहेगी जिस दिन, आप उससे एकाधिकार कर पाओगे जिस दिन आपने जब उसको बोला कि अगर मुझे सुन रहे हो तो छू कर दिखाओ, तो शायद उसकी पत्ती आपको हाथ लगाएगी और वापिस ये मैं जी रहा हूँ, मैंने ये जिया है, मैंने ये चीज़ समझी है। एक बार रिपीट करो। ये खुद के प्रैक्टिकल करने की बात है। बहुत अच्छा लगता है आपको कि आप अपने खेत में जाओ, लेकिन जिस दिन आप समझ गए कि वो पेड़ पौधा आपकी बात समझ रहा है, हम क्या करते हैं पता है? केली है, पील पत्ती काटना है, दराती लेकर जाओ काटो। जैसे ही उसकी उंगली कटी वहां से पानी गिरता है, समझ में आता है? अभी वो केली ऐसी देखती है, मेरी पहले उंगली काट दी, अब मुझे बोल रहा है खाना खा। जब हम खाद डालते हैं DAP, तो जो भी केला है, कपास है, उसकी जड़ें चीरा लगाते हैं ना, दराती से चीरते हैं, तो उसकी जो खाना खाने वाली मूली उसको काट दी पहले, दांत तोड़ दिए उसके, अब उसको हम बोल रहे हैं कि ले दाल बाफला खा ले। जब आप ये भाषा उसकी समझने लगोगे तो किसी बलराम की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप खुद समझोगे मेरे खेत में पौधे को क्या चाहिए। बहुत छोटा सा विषय है, खुद खेत में जाते हो करके देखो। अभी यहाँ पर द्वंद्व क्या है पता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये साल भर में भोजन लिया और यहाँ आम का केरी लगा। अभी ये आम का फल हम तोड़ने नहीं जाएंगे, इसका क्या होगा? पकेगा, टूट कर गिरेगा। केले का फल है, हम काटने नहीं जाएंगे, 100 दिन 90 दिन 200 दिन 150 दिन में वो पकेगा, एक एक केला टूट के गिरेगा। अमरूद का फल है, गेहूं काटने मत जाओ, उसकी बालियां परिपक्व हुई उसके बाद क्या होगा? फूटेगी, सूखेगी, गिर जाएगी। सोयाबीन लगाते हो, सोयाबीन काटने मत जाओ, उसकी बालियां खिरेगी, दाने नीचे गिर जाएंगे, बालियां खुली, दाने गिर जाएंगे। ये पौधे का फल इस पौधे के किसी काम का है? ये नीचे गिरा, इसको सड़न क्रिया लगी, इसको बैक्टीरिया खाएंगे, ये मिट्टी में घुल जाएगा, खाद बन के फिर इसको लगेगा। अभी ये फल इसी अवस्था में इसके काम का है? नहीं। इसने साल भर भोजन किया, अपना फल दिया, ये इसके लिए वेस्टेज है। इसको मैं डायरेक्ट खा सकता हूं, गेहूं, आम, जाम, नींबू, सीताफल, मूंगफली, सारा मेरा भोजन है, मैं खा सकता हूं चावल। अभी मैंने सारा भोजन किया और मैंने वेस्टा निकाला, गाय ने गोबर किया, गोबर ट्राली भर के हम खेत में डालते हैं, दिस इज प्लांट फूड, पौधे का भोजन। हमने चलने फिरने वाले प्राणी ने जो भी खाया वो स्थिर प्राणी का भोजन है, और स्थिर प्राणी ने जो भी वेस्टेज निकाला वो चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? गेहूं, चावल, मूंगफली, केला, आम, जाम, नींबू, सीताफल, स्थिर प्राणी का वेस्टेज, चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन, चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा, स्थिर प्राणी का भोजन।
ये एक पूर्ण साइकिल है, ऊपर वाले ने बना के रखी है, हमको दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। और इसी साइकिल से प्रकृति चल रही है। अगर ढंग से देखो, हमें क्या बताया गया है, यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, पौधे का भोजन। पौधे का भोजन क्या है? चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा, केचुए की हगार, वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर, समझ रहे हो? ये पौधे का भोजन है। आप डीएपी ले जाकर किसी पौधे के सामने डाल दो, क्या होगा? यूरिया ले जाकर डाल दो, क्या होगा? जलेगा। वो डायरेक्ट भोजन नहीं है। तो जो भट्टी खाद है इसी सिद्धांत पर है। और ये जो मैंने बताया 5 फीट गहरा गड्ढा करके ये जो मिट्टी निकाल करके आपको 200 लीटर पानी में डालना है, तो यहाँ कीट पतंग, बैक्टीरिया, तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, मच्छर, दीमक, इल सब है। वो कुछ न कुछ खा रहे हैं तो कुछ न कुछ निकाल रहे हैं। जो वो चलने फिरने वाले प्राणी निकाल रहे हैं उसको आप 200 लीटर पानी में घोलते हो, 2 दिन रखते हो, उसमें वाइसिनोमेटा रहता है, तो वो कहीं ज्यादा मात्रा में बनता है। और उसको कप्पड़ छान करके जब हम पेड़ पौधों पे स्प्रे करते हैं तो पौधे को अलग से भोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये साइंस है और इस पर चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी जी ने पेटेंसी ले रखी है। कई सारे रिसर्च पेपर हैं। वो अंगूर की खेती करते हैं और अंगूर में आपको पता है सबसे ज्यादा दवाई लगती है, खाद अच्छा लगता है। और उनका अंगूर भारत में सबसे महंगा बिकता है, एक्सपोर्ट होता है। वो मिट्टी के स्प्रे का अंगूर पकाते हैं। हैदराबाद में है, जाकर देख सकते हो, मैं एड्रेस वगैरह सब दे दूंगा। तो जब इस तरह का मिट्टी का स्प्रे करोगे आप कपास में, मिर्च में, तुअर में, तो आपको सफेद मच्छर के लिए दवाई मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखो। अभी मैंने बताया उसमें न्यूट्रिशन क्या है, काम क्या करता है, वो कैसे काम करता है, ये 1-2 मिनट का विषय है, ये समझ लो। एक ही बार चलती है क्या? हाँ, वो मिट्टी एक ही बार चलेगी। अगली बार जब आप डालो तो उसी गड्ढे से दूसरी बार मिट्टी निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात आपने निकाली है। ये जो गड्ढा है, ये गड्ढे में जो यहां से मिट्टी निकाली, अगली बार फिर निकाल लो, अगली बार फिर निकाल लो। और इस गड्ढे को मेड़ बना लो यहां पर, मेड़, ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए। ये गड्ढा आप मिट्टी निकालने के बाद काले पॉलीथीन से इसको ढक के रखो ताकि धूप इसके अंदर ना जाए। यहां पर अगर रोशनी आएगी तो यहां के बैक्टीरिया निकल जाएंगे। इसी गड्ढे से बार बार मिट्टी निकालना है तो इसको ढक के रखना है। बायोमास से ढक दिया तो? बायोमास से ढको, अंधेरा कर दो, किसी भी चीज से ढको। और कोशिश ये करो कि शाम के समय मिट्टी निकालो अंधेरे में, तो ये बैक्टीरिया यहाँ की कॉलोनी वैसी की वैसी रहेगी और इसी गड्ढे से बार बार मिट्टी निकाल सकते हो। ठीक है जी, बताइए। हाँ, कभी भी कर सकते हो। हाँ, कभी भी कर सकते हो। इसको गड्ढा करने के बाद हमेशा ढक के रखना है। जब मिट्टी निकालना है तो खोलकर मिट्टी निकाल ली, वापस ढक दी, और इसकी कॉलर बना दो ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। वो डबरी बन जाएगी, आप मिट्टी निकालोगे कैसे? मिट्टी निकल नहीं पाएगी ना, इसलिए उसका किनारा बना दो ताकि पानी बारिश का बाहर चले जाए। ढक के रखो और कुछ निशान कर दो, कोई जानवर या हमारा पैर उसमें ना चले जाए, तो गिर ना जाए। ये छोटा सा प्रिकॉशन लेना है। मतलब भी अपन बना के रखने का। कभी भी कर सकते हो। और बरसात में अपन वापस सकते हो। यस, कभी कर सकते हो। ये काम कैसे करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है। किसी भी पेड़ पौधे में, केले में भी हम इसका स्प्रे कराते हैं, तुअर में, मूंगफली में, मिर्च में, टमाटर में, भिंडी में, बैंगन में, सब में इसका स्प्रे होता है। पौधे की जो पत्ती रहती है, ये कपास की जो पत्ती है ना, इसमें इस तरह की पत्ती रहती है। हाँ, इसमें थ्रिप्स नीचे आती है कि ऊपर आती है? नीचे माइट्स आती है, ऊपर थ्रिप्स आती है। थ्रिप्स आया तो ये ऐसे कुकड़ेगा और माइट्स आया तो ऐसे उल्टा कुकड़ेगा। ऐसा पत्ता है, थ्रिप्स आई तो ऊपर चले जाएगा, माइट्स आई तो नीचे चले जाएगा। माइट्स नीचे घूमती है, मकड़ी नीचे से चूसती है, थ्रिप्स ऊपर घूमती है, छोटी सी रहती है, दिखती नहीं। ध्यान से देखोगे तो एक हल्का सा कत्थई कलर का कीड़ा घूमता दिखेगा। अगर मेरे नाखून की बात करूं, इस नाखून पे कम से कम
2 से 3 हजार थ्रिप्स आ सकती है, इतनी छोटी आती है। किसी ने देखा है थ्रिप्स को? किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। माइट्स इस पे 1000 आ जाएगी। माइट्स थोड़ी बड़ी आती है, मकड़ी, सफेद मच्छर आराम से आंख से दिखता है उड़ता, हरा मच्छर उससे बड़ा है वो भी आराम से दिखता है, इल्ली उससे बड़ी है वो भी आराम से दिखती है, बट जो सबसे ज्यादा नुकसान देता है थ्रिप्स, माइट्स, वो दिखता भी नहीं, बहुत कम दिखता है। उसका असर दिखता है कि पत्ता ऐसे ऊपर कोंडल हो गया और यहां पर बबल जैसे आ जाते हैं पत्ते के ऊपर। अब वो सीधा नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उससे भोजन बनता नहीं, तो गिरते हैं। जब फूल बोल को पूरी वयस्क अवस्था में चलना रहता है तब आपका पत्ता लाल होकर के करपे में सड़ जाता है और पत्ता ही गिरने लग जाता है जब उससे रस चूस लिया जाता है। तो ये पत्ते में हल्के हल्के से दाने हैं, ये क्या है? इसके रोम छिद्र हैं। जो ध्यान से देखोगे या एक वो बिलोरी कांच होता है उससे देखोगे तो दिखेंगे, जैसे हमारी चमड़ी में हल्के हल्के दाने ना जहां से पसीना आता है, ऐसे पत्ते की स्किन पर भी हल्के हल्के दाने हैं। और एक लेयर और नीचे की लेयर, इसके बीच में क्लोरोफिल है, हरापन है ना, जो क्लोरोफिल जो सूर्य की रोशनी में भोजन बनाता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, हरापन जो है। अभी पत्ता इसी रोम छिद्र से सांस लेता है। रात भर से बहुत सारे पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और सवेरे से जैसे ही सूर्य देवता आते हैं वो उल्टी प्रक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है इनके पत्ते की ऊपर के लेयर के रोम छिद्र से होती है। रात भर से जो पौधा नींद में सो रहा था, जैसे ही सूर्य की पहली किरण आएगी उसके रोम छिद्र से हल्का सा एक पल्प निकलता है। ध्यान से सवेरे की पहली किरण पे जाओगे तो ये जो रोम छिद्र है यहां से हल्का सा पानी दाना निकलता है, एक हल्का सा लिक्विड निकलता है जो पूरे वातावरण में खुशबू फैलाता है। इस खुशबू को सूंग करके हरा मच्छर, सफेद मच्छर, व्हाइट फ्लाई इस पत्ते के ऊपर आते हैं और इसको खाते हैं। तो जो पानी है वो उनके लिए भोजन है, जो पत्ता है उसका क्लोरोफिल है वो उनके लिए भोजन है, जो रस चूसक है उस हल्के से पानी को चूसते हैं। तो किसी भी खेत में स्प्रे करने का सही समय क्या है? सुबह सुबह का, कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ और जैसे ही सारे पत्ते खुले और उसमें माइट, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई का आवक हुआ, उस समय आप स्प्रे करोगे तो रिजल्ट ज्यादा मिलता है। अभी थ्रिप्स की मैं अगर बात करूं तो मेरे अंगूठे पर अगर 1000 से 2000 थ्रिप्स आ सकती, इतनी बारीक है, तो उस थ्रिप्स की आंख कितनी बारीक होगी? बहुत बारीक। वो पत्ते के रोम छिद्र के ऊपर की जो हल्का सा सुई की नोक के बराबर दाने जैसा पानी उस रोम छिद्र से जो निकला उसको वो थ्रिप्स सक करता है, चूसता है। वो पानी वापस जाना चाहिए तो आपका पत्ता हेल्दी रहेगा। अब उस थ्रिप्स ने उसको चूस लिया तो वहां घाव बन गया, उस चमड़ी को खा लिया। थ्रिप्स के आगे ऐसे दो दांत रहते हैं, गूगल करके आप यूट्यूब पर देखोगे थ्रिप्स कैसे काम करता है तो आपको दिखेगा, वो फोटोसिंथेसिस को बड़ा करके दिखाएंगे। वो ऐसे चमड़ी को छीलता है, उसको क्लोरोफिल को चूसता है, तो पत्ते को छील देता है, घाव कर देता है। वो दूर से हमको दिखता नहीं लेकिन जहां थ्रिप्स है वहां उसने घाव बना दिए। ऐसे ही हरा मच्छर जाकर बैठता है, उस क्लोरोफिल को चूसता है। ऐसे इल्ली जाकर बैठती है तो पत्ते को ही खा लेती है, तो इल्ली का नुकसान हमें जल्दी दिख जाता है कि पत्ता खा लिया, आधा छेद कर दिया। थ्रिप्स, माइट्स, वाइफ्लाई, हरे मच्छर, इनका नुकसान होने के बाद जब पत्ता सिकुड़ जाता है फिर दिखता है। जब ये नुकसान करते रहते हैं जब नहीं दिखता, जब हमें वो घूमते फिरते दिखते हैं। अभी यहीं पर हमने इस पत्ते के ऊपर मिट्टी का स्प्रे किया तो क्या होगा वो अब मैं बताना चाह रहा हूं। 200 लीटर पानी में जब आपने 20 केजी मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा डाला तो इतनी मिट्टी रही और इसको 2 दिन रखना है। कितने दिन? 2 दिन। इसमें एक लकड़ी डालना है जिसमें नीचे प्लस बना हुआ रहे। हेलो, दवाई कैसे खोलते हैं है ना, क्लॉकवाइज। एक सिंगल लकड़ी डालते हैं, उसको घुमाते हैं, दवाई घुलती है,
कोई डब्बे से ऊपर नीचे करके डालता है दवाई घोलने के लिए, उसकी बजाय आप अगर एक सिंगल लकड़ी डाला और नीचे ऐसा प्लस का निशान रखा, लकड़ी बांध दी, घर में छाछ बनाते ना उसके नीचे वो कैसा आता है, इस तरह का लकड़ी किया और ये 200 लीटर की कोठी में ऊपर नीचे करोगे, गोल नहीं घुमाना है, ऊपर नीचे करोगे तो पूरा पानी ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, तो सही से मंथन होता है, मथनी होती है। जब हम कोई गाड़ी चीज डालते हैं और ऐसे गोल घुमाते हैं तो नीचे का नीचे बैठा रहता है, बीच का बीच में, और ऊपर कुछ भी नहीं आता है, पानी ही तैरता है। उसकी वजह लकड़ी ऊपर नीचे करेंगे तो सबसे अच्छी दवा का घुलन होता है। तो मिट्टी का स्प्रे बनाए तो एक डंडा और नीचे प्लस, ऊपर नीचे हिलाना है, गोल हिलाने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा पानी घुलता है उसमें। तो दो दिन के बाद इसके पास एक खाली कोठी रखना है जिसमें कुछ नहीं है, इसमें पानी मिट्टी दो दिन रखा वाइसेनोमेटा के साथ में, इसमें एक छिरहरा साड़ी का कपड़ा, धोती का कपड़ा, एक गमछा हमारा लगाया पतला कपड़ा, और इसको हिलाते गए और ये पानी इसमें डाला, तो एक बार क्या हुआ, कप्पड़ छान हो गई, बड़ा लकड़ी कंकर पत्थर मिट्टी की गाद बाहर रह गई, मटमेला पानी इसमें आ गया। अब जो पचा वो खेत में डाल दो, खेत में काम करेगा वो। इस कोठी को फिर पानी से धोना है, ये कपड़ा धो करके फिर इधर लगाना है, और इसको फिर से एक बार हिला करके फिर से छानना है, दो बार कप्पड़ छान करनी है। जब हम दो बार कप्पड़ छान करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो मटमेला पानी मिलेगा, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम स्प्रे करें उसकी नोजल में अटके। दो बार कप्पड़ छान कर लोगे तो पंप की नोजल में कोई कचरा अटकता नहीं, बट उस पानी में मिट्टी है जो क्ले वाली है, जो घुल चुकी है, वो जो नहीं घुली है वो कप्पड़ छान में बाहर हो गई, लकड़ी कंकर पत्थर जो है वो बाहर हो जाएंगे। अभी ये जो दो बार कप्पड़ छान किया हुआ पानी सुबह सुबह और अमावस्या पूर्णिमा, दो चीज अगर माइंड में रखी, एक तो सवेरे सवेरे स्प्रे करना है या शाम को संध्या काल में स्प्रे करना है, तो रिजल्ट चार गुना आएगा। दूसरा, महीने में 14-14 दिन के अंतराल पर जो अमावस्या और पूर्णिमा आती है, उस दिन या उस दिन के एक दिन पहले या उस दिन के एक दिन बाद स्प्रे किया तो आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारा रिसर्च तो ये भी हुआ है कि अमावस्या और पूर्णिमा के संध्या काल में केवल पानी का स्प्रे कर दिया तो भी आपको रिजल्ट मिलता है। उस दिन प्रकृति अपनी चरम सीमा पर रहती है। बहुत सारे मेरे वक्तव्य जो है ना एकदम बाबा जैसे भी होते हैं, प्रवचन देने जैसे। नहीं, 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 नहीं। समझ में आ रहा है ना, अमावस्या पूर्णिमा का एक साइंस है। हमारे पास जो कैलेंडर है उसमें 30 दिन का महीना है, कोई 31 दिन का महीना है, कोई 29 दिन का है, कोई 28 दिन का है, सब तितर बितर बिखरे हुए हैं, है ना। जो समंदर में जहाज चलाते हैं उनके पास कौन सा महीना है पता है, 14-14 दिन के 28 दिन का महीना है। आपके पास कोई सा सप्ताह ऐसा है जो 8 दिन का हो, और कोई सा सप्ताह ऐसा है जो 6 दिन का हो, 7 दिन का ही सप्ताह है ना। अमेरिका ने हमें एक कैलेंडर दे दिया है जो 31 दिन का भी महीना है, जो 30 दिन का भी महीना है, और कोई सा तो 28 दिन का महीना है, और आखिर में बोल दिया कि 4 साल में 29 दिन का फरवरी आएगा। ये एरर है ना, साइन कैलकुलेशन में एरर है ना। एक्चुअल में आप देखने जाओगे तो 13 महीने का साल होता है, हमें सिखाया गया है 12 महीने का साल, जो एक्चुअल चीज है हमारा दिमाग ही ना जाए उधर। 52 सप्ताह, 13 महीने, 1 साल, ये रियलिटी है। हमें बताया गया है 12 महीने, जिसमें कोई महीना 31 का, कोई 30 का, कोई 28 का, कोई 29 का। जो जहाज चलाते हैं नाविक, उनको पूछोगे तो वो बताएंगे 14 दिन की साइकिल। जो हमारे घर महिलाएं हैं उनका मासिक धर्म जो आता है वो 28 दिन की साइकिल पे आता है, महावारी जो आती है 28 दिन। जो समंदर में ज्वार भाटा आता है वो 14-14 दिन के अंतराल पर आता है, अमावस्या और पूर्णिमा 14-14 दिन के अंतराल पर आती है। तो महीना आपका केवल 28 दिन का होता है, ना कि 30, 29, 31। थोड़ा कैलेंडर को देखना भी हम चेंज करेंगे तो खेती मजेदार होगी। जब पूर्णिमा रहती है
और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है तो समंदर का सारा पानी उठता है और एनर्जेटिक होता है और समंदर में पानी का भरण बढ़ता है। पृथ्वी पर पानी उतना ही है लेकिन पूर्णिमा पर भरण होता है और अमावस्या पर चंद्रमा दिखता नहीं, दूर रहता है, तो पृथ्वी का पानी अंदर सिकुड़ता है। ज्वार भाटा जो आता है ना, नाविक इस हिसाब से अपनी नाव चलाते हैं। तो अमावस्या और पूर्णिमा पर प्रकृति अपना रंग बदलती है। जब जब पेड़ पौधों में रस चूसक कीट पतंग तुड़तुड़ा महुआ मक्खी मच्छर का आपको कमी पेशी करना है तो अमावस्या और पूर्णिमा उनके मीटिंग के दिन रहते हैं और वह प्रकृति अपनी चरम सीमा पर रहती है और वह ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बच्चे देकर अपनी जनरेशन बढ़ाती है। उस समय अगर आपने पानी का भी स्प्रे कर दिया तो रिजल्ट आता है, ये करके देखो फर्क लगेगा। उस समय जब हम मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो चार गुना रिजल्ट आएगा। कैसे? ये जो मटमेला पानी हमने इस पत्ते के ऊपर स्प्रे किया, अभी क्या हुआ, मटमेला पानी है, मिट्टी हमने छान दी, इस पत्ते को उस स्प्रे से नहला दिया और इसके जो छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, पानी मटमेला दिख रहा है वो रोम छिद्र के ऊपर गया और जो थ्रिप्स है, मेरे अंगूठे पर 2000 थ्रिप्स आ सकती है इस नाखून पर, तो कितनी छोटी होगी उसकी आंख, कितनी छोटी होगी। तो ये जो मटमेला पानी उस पत्ते पर गया तो ये जो मिट्टी के कण हैं उस थ्रिप्स को दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? थ्रिप्स को दिखेंगे, हमको नहीं दिखेंगे। जो पानी में मटमेली मिट्टी है वो उसको बहुत ज्यादा दिखती है, हमको रोम छिद्र नहीं दिखता है, लेकिन रोम छिद्र से जो हल्का सा पानी आया उस पे ये मटमेले पानी का स्प्रे जाता है तो वो जो रोम छिद्र से न्यूट्रिशन जो बाहर निकल के आया है उसकी खुशबू बदल देता है। मिट्टी जब किसी में भी मिलती है तो उसको सोख लेती है, तो जो वो पौधा एक ओरा बिखेर रहा है, जो व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स माइट्स को बुलाता है, वो ओरा बिखेरना बंद होता है, खुशबू में चेंज आता है और हरापन देख करके जो व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स मच्छर मक्खी आते हैं उनको यहाँ पत्ते पर मिलती है मिट्टी, हल्की लेयर मिलती है मिट्टी की। मिट्टी को कौन खाता है? वो तो खाने आया क्लोरोफिल। साइंस समझना चालू करो। थ्रिप्स माइट्स व्हाइट फ्लाई को ये दिखती है मिट्टी, जैसे ही वो चट करता है उसको टेस्ट आता है मिट्टी का। अब हमने जो मिट्टी ली है 5 फीट गहरी, उसमें न्यूट्रिशन बहुत सारा है, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टोमा खुला, पौधे के पत्तों के रोम छिद्र खुले, उनमें ये हल्का सा मिट्टी का कण अंदर गया और ये न्यूट्रिशन उसने एब्जॉर्व किया, तो ये हो गया उसका भोजन और व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स माइट्स को मिली मिट्टी। और बहुत सारे ऐसे इल और ये हैं जिनकी आते नहीं होती है, तो जब मिट्टी खाते हैं तो वो पचा नहीं पाते हैं तो उनको भूख लगती नहीं बाद में डबल से, और भूख लगती नहीं तो वो एक बार खा करके घूमते रहते हैं, फिर उनको खाने की इच्छा होती नहीं, फिर वो चले जाते हैं। पहला जो ज़्यादा दिमागधारी है, जो हरा मच्छर ज़्यादा एजुकेटेड है, पढ़ लिख करके आया है, उसने देखा मैं इस पत्ते पर बैठा हूँ, यहाँ तो मिट्टी है, ये मेरे लिए नहीं है, तो वापस वो मेड़ पे जाएगा और मेड़ पे जो हरे पत्ते हैं उनको खाएगा। जो थ्रिप्स एजुकेटेड है, दिमागधारी थ्रिप्स है, वो कहेगी यहाँ पर तो मिट्टी मिट्टी है, ये पत्ता मेरे लिए नहीं, हरा दिख रहा है बट ये मिट्टी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मिट्टी उसका भोजन नहीं है, तो वापस उड़ के जाएगी मेड़ पर, अपना जो भी हरा पत्ता होगा उसको चूसेगी, खाएगी। सिंपल साइंस है, मिट्टी को कोई खाता नहीं, जो खाता उसको पचती नहीं, इसलिए मिट्टी का स्प्रे आपके पेड़ पौधों पर 100 गुना काम करता है। और आप जब मिट्टी का स्प्रे करते हो तो व्हाइट फ्लाई हरा मच्छर थ्रिप्स सब दिखता है लेकिन पौधा तंदुरुस्त रहता है। जहां भी हम स्प्रे करें उस जगह खेत की मेड़ पर कोई स्प्रे ना करें। हमने जब खेत में स्प्रे किया, आपने एमिडा क्लोपीड का किया हो या मिट्टी का स्प्रे किया हो, आपने रस चूसक कीट को भगाने के लिए किया है, है ना? तो जब यहां स्प्रे किया तो यहां से भक्कर कहां जाएंगे? मेड़ पर। अगर मेड़ पर हम चारा मार दवाई डालकर पहले ही चारे को मार चुके हैं, जो कि हम करते हैं, पहले करते हमी ते तीती
चूसक कीट कहाँ जाती? अभी यहाँ हमने अभी पड़ोसी ने भी हरे मच्छर की दवाई डाली है, मैंने भी हरे मच्छर की दवाई डाली है और मेड़ पर कुछ नहीं है। ये मच्छर क्या करेगा? एक लिमिट तक मरेगा, फिर टॉलरेंस हो जाएगा। अभी भैया 5 ml दवाई एक पंप में, अब 7 ml दवाई, फिर 12 ml दवाई एक पंप में, तो भी हरा मच्छर मरता नहीं। तो मेड़ पर हरे खरपतवार ताजा चाहिए, जो पेड़ पौधों से निकलने वाले कीट पतंग का भोजन बने। उनको मारना बंद करो, उनको जिंदा रहने दो, तो हमारे पेड़ पौधों को कम खाएंगे। तो ये मिट्टी का स्प्रे काम करता है। यही हम केला जब लगाते हैं तो उसके हर 15 दिन में उस पर मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो पौधा हष्ट पुष्ट बढ़ता है। कपास में मैं जब खेती करता था, अभी हम तुअर, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, आपका डॉलर चना, इनकी खेती करते हैं, तो हम मार्केट से कोई दवाई लाते नहीं, केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं। शुरू से आखिरी तक कोई दवाई लाकर डालने की जरूरत नहीं। हमारे इधर किसान का ऐसा दिमाग में बैठा है कि स्प्रे नहीं करो तो कुछ आएगा ही नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जो ये साइंस बतलाया ये प्रूवन है, हम काफी सालों से कर रहे हैं। अब आपको अपने खेत में प्रैक्टिकल करना है। जो भी फसल है उसके बीच में 5 लाइनों को मिट्टी का स्प्रे करो, बाकी अपनी मनपसंद दवा डालो। रिजल्ट पहले खुद देखो, आए तो करना, नहीं आए तो मत करना। इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है, मिट्टी खोद कर डालना है, 3000 रुपये बचाना है एक कोठी। दूसरा एक काम और चालू कर सकते हो, आप कपास में 5 स्प्रे लेते हो तो एक स्प्रे आपका मनपसंद लो, दूसरा स्प्रे मिट्टी का लो, तीसरा मनपसंद लो, चौथा मिट्टी का लो, पांचवा मनपसंद लो, छठा मिट्टी का लो, आपकी दवाई आधी हो जाएगी। और जो हर बार दवाई का प्रमाण बढ़ाकर डालना है उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, वो टॉलरेंस नहीं होगा और आपको कम मात्रा में ही रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बीच में आपने उसका रेजिस्टेंट काट दिया। जो मिट्टी का स्प्रे किया उससे रेजिस्टेंट कट जाएगा, पत्ते पर सारी प्रक्रियाएं चेंज हो जाएगी। करना नहीं करना आपके ऊपर है, हम इस तरह की खेती करते हैं। तो कुछ दो चीज़ें मैंने बतलाई आपको किसी भी तरह की फसल को करने के लिए, भट्टी खाद, सॉइल टेस्ट और मिट्टी का स्प्रे। ये 3 चीज़ें अपनी फसलों में काम में रखो। अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ